ये है श्री कृष्ण संग्रहालय। ये तमिलनाडु से लेके आए हैं। सारी बचपन की सारी हरकतें दिखाई हुई है कृष्ण जी। ये लकड़ी की मूर्ति है, वुड की काटी हुई है सारी। एक 148 किलोमीटर के एरिया में हुआ। 148 किलोमीटर का जो एरिया थे ना, इस पिक में आपको पूरे दिखाएंगे। ये सारे एरिया बताए हुए हैं सारे। इसमें वंश लिखे हुए हैं, वंश के आगे जो बच्चे हुए हैं कुरु वंश, उनके कौन से पुत्र थे, वाइफ थी, ठीक है, सारे पुत्र कौन कौन से थे, सारे आगे की आगे लिखे हुए हैं। ये सेम ऐसी कलाकृति ना अपने को वो कांगड़ा म्यूजियम में देखने को मिली थी। और यहाँ पे लिखा ही हुआ है कांगड़ा मैनुफैक्चर पेंटिंग्स। इतने बड़े बड़े रूमाल बच्चा उसमें पूरा लपेटा जाए, इतना होता है। और ये बहुत लोगों को नहीं पता कि हनुमान जी जो महाभारत का युद्ध था उसमें प्रेजेंट थे। संग्रहालय में एंटर करने से पहले लिखा हुआ था किसी चीज को टच वच करना, किसी चीज को कुछ करना, ये चीज गलत है यार, थोड़ा सा अवॉइड करा करो ये चीजों को। दुर्योधन को घमंड हो गया था, बोल रहा था कि श्री कृष्ण जी को मैं पकड़ लूंगा। फिर उन्होंने अपना रूप दिखाया कि मेरे को तू पकड़ेगा। तो मेरे को ऐसा लगा रियल में श्री कृष्ण जी खड़े हुए। और कैसा लगा अंदर का, सही बना हुआ था? ये है श्री कृष्ण संग्रहालय। और इसके एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर मिलेगा, टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट का पहले देखता भाई, इतनी रश लगा हुआ है। जो बच्चों के लिए टिकट है वो है 10 रुपये, 10 साल से नीचे वाली। और दूसरा जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 10 रुपये टिकट है। और 10 साल से जो आई बड़ी जिनकी आई हुई है उनके लिए 30 रुपये टिकट। और इस तरफ म्यूजियम की इनकी एंट्री है, और दूसरी तरफ ये कृष्ण जी भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है। इस तरफ संग्रहालय की एंट्री है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। एक और बात है कि ये जितनी सारी मूर्तियाँ बनाई है ना, कांसी की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, ये 20th century की है। अलग अलग जैसे अभी है, मैं आपको मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ ना, ये तमिलनाडु से लेके आए हैं सारी। वेणुगोपाल जी 20th century की तमिलनाडु, ये भी वेणुगोपाल जी कालिया दमन, ठीक है। और विष्णु रूप में श्री कृष्ण जी, ये भी तमिलनाडु की, सारी तमिलनाडु में बनी हुई। श्री कृष्ण संग्रहालय इसलिए है क्योंकि मेरे ख्याल से ना यहाँ पे सारी जितनी भी है कृष्ण जी की पूरी स्टोरी दिखाई है, बचपन में हम बचपन की दिखाई हुई है। ये देखो कि कृष्ण जी घुटनों के बल चलते, बाल कृष्ण जी, यशोदा के साथ कृष्ण, बलराम यशोदा मैया के साथ। ये फिर बाल कृष्ण जी, ये सारी ना कृष्ण जी की सारी दिखाई हुई है। मैं इधर घूम रहा हूँ माता जी, तो उधर पहुँच गए दीदी भी माता जी के साथ ही घूम रहे हैं। वासुदेव जी यमुना पार कराने लेके गए थे ना, यमुना पार करा रहे थे उस टाइम, कृष्ण जी को अपने सिर पे रखा था। कहते हैं ना कि हाँ भी पिता हमेशा अपने बच्चे को अपने सिर पे बिठा रहा है, रखता है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ जहाँ तक उसकी निगाह नहीं जा रही है तो उसके बेटे की वहाँ तक निगाह जाए, इसलिए बोलते हैं पिता पिता ही होता है। और हमें लगता है कि हमारे फादर हमारे साथ ये गलत कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक वेज होती है उसके बाद समझ आ जाता है। ये सारी जितनी भी स्टोरी है ना, ये कृष्ण जी की सारी स्टोरी है, मतलब प्रेजेंट की है इन्होंने कि बचपन में कैसे लटखट थे, सारा उन्होंने दिखाया है। और बचपन की सारी हरकतें दिखाई हुई है कृष्ण जी ने। राजा कृष्ण जी और स्तंभ के नीचे बांसुरी बजाता है कृष्ण जी। वाह यार, पहले की कलाकृति ना नेक्स्ट लेवल ही है यार, एक्सट्रीम लेवल है, सही है यार। बस ये है कि एक बारी बंदा देखने लगता है ना, इसमें ही खो जाता है कि मूर्ति में, कि हाँ पूरा है वो। उस टाइम में जो जमाने में चल रही होती है वो चीज़ें वो दिमाग में आने लग जाती है कि हाँ कि उस टाइम पे कैसे बनाई गई होगी। और दूसरा फिर ऐसे आदमी धीरे धीरे ना वो पुराने ज़माने में जाने लग जाता है।
आधे से ज़्यादा ना इन्होंने जितनी भी आई हैं मूर्तियाँ पड़ी हैं ये सारी तमिलनाडु से आई हैं, तमिलनाडु उड़ीसा ये इधर से ही आई हुई हैं। देखिए ये रेहान की और नेहा दीदी की कहानी, कृष्ण जी को यशोदा मैया डांट रहे हैं, इसमें भी यशोदा मैया डांट रहे हैं और इसमें अगासुर का वध करते हुए कृष्ण जी बीच वाली मूवी, और यशोदा मैया अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं और अर्जुन का गीता को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण जी। ये वहाँ पर भी अपने बड़ी मूर्ति देखी ना, और इसमें छोटा सा दिखाया हुआ है, और इसमें गरुड़ पर अरुड़ लक्ष्मी नारायण बांसुरी बजाते हुए। एक ये देखो क्रिस्टल क्लियर की बनाई है मूर्ति, कितनी यार उस टाइम में कलाकृति नेक्स्ट लेवल ही है यार। ये लकड़ी की मूर्ति है, वुड की काटी हुई है सारी एक पेड़ की, ठीक है, और इसमें राधा जी और कृष्ण जी का मिलन दिखाया हुआ। यशोदा मैया जी कृष्ण को डांटते हुए, शिवलिंग चतुर्मुखी शिवलिंग नंदी जी बिल्कुल साथ में, शेरशय्या विष्णु में, ज़्यादातर इसमें मूर्तियों में दिखाया है कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ पे भी है एक पीछे भी थी, मतलब ज़्यादातर जितनी भी मूर्तियाँ ना उसमें सभी में दिखाया है कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ पे भी दिखाया हुआ। माचिस की तिलियों पे ना छोटे छोटे माचिस की तिलियों पे कृष्ण जी की मूर्तियाँ बनाई हुई और राधा रानी की। ये देखो कि पेड़ के जो बादाम की शेप का पेड़ है उसमें श्री कृष्ण जी की आकृति बनाई हुई है, पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा अब देखो। और इसमें 6 सेक्शन है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6। इसमें सारी कृष्ण जी की लीला दिखाई है और कृष्ण जी के रूप जो उन्होंने मतलब लड़ाई झगड़े हुए थे उनके, ठीक है, जो जो असुरों को उन्होंने मारा था, ठीक है, उनकी शरारतें दिखाई हुई हैं, ऐसे ऐसे सेक्शन 6 सेक्शन बनाए हुए हैं और 6 सेक्शन में पूरा अलग अलग कलर की दिखाई है। महाभारत का युद्ध हुआ था 148 किलोमीटर के एरिया में हुआ था, ठीक है, और 148 किलोमीटर का जो एरिया थे ना इस पिक में आपको पूरे दिखाए हुए सारे एरिया बताए हुए सारे उसमें। वैसे तो ये 48 कोस लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे ख्याल से ना 140 कुछ था ये, है ना, 150 के आसपास था, तो अब कई यानी कुछ बोल रहे हैं कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 48 कोस के अंदर अंदर के एरिया में महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण ने यही भूमि क्यों चुनी, क्योंकि उनको पता था कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो ना चाहते हुए भी उनके खिलाफ है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट था कि हाँ भी कृष्ण जी ने ये भूमि इसलिए चुनी कि हाँ भी ये भूमि सीधा जो यहाँ पे जिसकी मृत्यु होगी ना उसको सीधा मोक्ष प्राप्त होगा, और इसलिए इस भूमि पे जितने भी लोग उस युद्ध के टाइम में मरे थे ना उनको सीधा श्री कृष्ण जी की तरफ से वरदान था कि उनको सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। उन्होंने ना पेंटिंग बनाई हुई है जिसमें वंश लिखे हुए हैं, वंश के आगे जो बच्चे हुए हैं, ठीक है, सारे बच्चों के उनकी वाइफ के साथ
फिर उनके आगे कौन कौन से बच्चे हुए, कैसे कैसे हुए, उनके कितने कितने पुत्र थे, और जो सारा इन्होंने लिखा हुआ ए टू जेड, ठीक है। फिर दूसरी तरफ कुरु वंश, उनके कौन से पुत्र थे, वाइफ थी, ठीक है, सारे पुत्र कौन कौन से थे, सारे आगे के आगे लिखे हुए हैं। एक इमेज में इन्होंने सारे वंश दिखा दिए कि उनके पुत्र के कौन कौन से आगे आगे पत्नी थी, पत्नी से ठीक है आगे कौन सा पुत्र हुआ, सारे दिखाए हुए हैं। और वासुदेव जी का भी दिखाया हुआ। और कुछ टाइम पहले न्यूज़ चैनल वाले मतलब द्वारका की नदी में गए थे ना कि देखने के लिए कि नीचे क्या है, ठीक है, द्वारका जाती का में इतने टाइम बाद फिर वापस बाहर आ जाती है, तो वहाँ से एक लंगर स्टोन्स लेके आए हैं। इतना कुछ देखने के बाद ना उस टाइम की श्री कृष्ण जी की लीलाएं सारी याद आ रही हैं कि कैसे वो नटखट थे, चबूतरे के नीचे भी बैठते थे, ठीक है, और कैसे सारे पूरे एरिया को उन्होंने तंग करके रखा हुआ था वृंदावन में। गंधार बुद्धा सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी के, ये इमेज में श्री कृष्ण जी रास लीला कर रहे हैं। ये सेम ऐसी कलाकृति ना अपने को वो कांगड़ा म्यूजियम में देखने को मिली थी, सेम ऐसी थी वहाँ पे सारी। और यहाँ पे लिखा ही हुआ है कांगड़ा मैनिएचर पेंटिंग्स, वहाँ पे देखी थी ना कांगड़े के जिले के म्यूजियम में, वो सेम यहीं पे सेम ऐसी। क्षेत्र युद्ध में कृष्ण और अर्जुन जी देवी देवताओं को दर्शाते हुए, देवी देवता बनाए हुए ड्रेस के ऊपर देखो कितने अच्छे अच्छे बनाए, श्री कृष्ण जी की, ये ब्रह्मा जी। यार मेरे को एक समझ नहीं आती, इतने बड़े बड़े रुमाल यार आज की डेट में छोटे साइज का होता है, मतलब साइज सही होता है, और उस टाइम इतने बड़े बड़े रुमाल, मैं तो आदमी बच्चा उसमें पूरा लपेटा जाए कितना होता है वो। कांथे कढ़ाई, कांथा कढ़ाई, ये 19th सेंचुरी की जयपुर राजस्थान की भागवत गीता जो संस्कृत में लिखी है, ये महाभारत का शिवदेव लिखा हुआ 20th सेंचुरी का, ये भी सेम संस्कृत में ही है, ये भी भागवत गीता के। मैं देखो समुद्र मंथन वाला सीन दिखाया हुआ पूरा, जगन्नाथ जी के स्टैचू पड़े हुए हैं, बालभद्रा के सुभद्रा को जगन्नाथ जी के तीनों के स्टैचू पड़े हुए हैं, यहाँ पे पेंटिंग में बनाई है। अपने को चांस मिलेगा अपन यहाँ पे भी जाएंगे, पर इसके लिए शॉर्ट में आपको चीज़ें स्टोरी बता देता हूँ क्या हुआ था। मेरे ख्याल से इसमें दिखाया होगा कि हाँ अभी जब कृष्ण जी खत्म हो गए तो उसके बाद में एक राजा के स्वप्न में आए कि हाँ भाई तेरे को मैं दर्शन दूंगा, और लकड़ी का कट्टा, लकड़ी का पेड़ जैसा होता है ना मोटा सा, वैसे ही पेड़ होगा नदी में, तूने उसको उठा के ठीक है रख लेना। और वो कृष्ण जी ने इतना ही उपदेश दिया, उसके बाद थोड़े दिनों बाद उन्होंने क्या किया, राजा ने बहुत लकड़ार बुलवाए कि हाँ भाई इसको तराशते हैं इसमें क्या निकलता है, किसी से लकड़ का पीस वो हल्का सा भी नहीं टूटा। तो फिर क्या हुआ, वो लकड़ का पीस पूरा टूटा नहीं किसी से भी, एक लकड़ार आया उसने बोला कि मैं 15 दिन हफ्ता तक बोला कि मैं अंदर रहूँगा और उस कमरे में कोई आएगा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, और क्या हुआ उस टाइम अपनी पत्नी की वाइफ मान के उस राजा ने किया कि तीसरे चौथे दिन ही ना वो गेट खुलवा दिया, वैसे तो 4-5 दिन तो नहीं खुलवा रहा था, तीसरे चौथे दिन फिर उसने अपनी वाइफ की मान के ना वो गेट खुलवा दिया, जिसके कारण हुआ कि जितनी वो उस टाइम मूर्ति बनी थी तो वो जगन्नाथपुरी में उतनी मूर्तियाँ पड़ी हैं। और अभी भी ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है कि हाँ भी ये जो मूर्तियाँ हैं स्टैचूस हैं ये बीमार भी होते हैं, ठीक है, इनको मेडिसिन भी दे दी जाती है, और उसके बाद इनके एक दिल जो होता है ना दिल के टाइप सेम ऐसे ही इनको फिर से एक जीवित मूर्ति में फिर से रखा जाता है। ये जो हिंदू मिथोलॉजी बोलते हैं ना पूरी जो डीपली पढ़ते हैं फिर उसके बाद वो क्लियर होता है, फिर बोलते हैं सॉरी। इस सेक्शन में श्री कृष्ण जी की
प्रेम लीला दिखाई हुई है, रास लीला दिखाई हुई है, ठीक है, और नटखट कलाकृति प्रेजेंट की हुई है यहाँ पे सर। माखन चोर कृष्णा, श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता को देते हैं। और ये बहुत लोगों को नहीं पता कि हनुमान जी जो महाभारत का युद्ध था उसमें प्रेजेंट थे और उनका झंडा भी था, बहुत लोगों को नहीं पता। और इस कलाकृति में मैं यही देख रहा था, मेन की इसमें दिखाया इसमें। ये श्री कृष्ण जी बैठी हैं और गोपी स्नान कर रही है, राधा कृष्ण जी बैठे हुए हैं इसमें कलाकृति। ये कलाकृति है जिसमें महाभारत के युद्ध का लड़ते हुए अर्जुन जी और आगे उनके सारथी बने हुए कृष्ण जी। गोपियों के मध्य श्री हमारे कृष्ण, ये एक अलग लेवल का ये सेक्शन बनाया हुआ है। जब इस सेक्शन में मैं जैसे ही एंटर करा मेरे को लगा पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया मैं, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया कलाकारी थी, अब समझ नहीं आ रहा किधर से देखो, किधर से शुरू करो, किधर से खत्म करो। ये भीष्म पितामह जी, इनकी एक स्टोरी है, वहाँ पे जाएंगे हम। मान सिया पे लेते हैं वो कृष्ण जी रहे, अर्जुन जी रहे। एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि संग्रहालय में एंटर करने से पहले ही लगा हुआ था किसी चीज़ को टच वच करना, किसी चीज़ को कुछ करना हो, लेकिन ये चीज़ गलत है यार, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। अब वो बच्चे ने घेर दिया ना तो इनका मुंह हिल जाएगा, पर वो कुछ हो गया पुराने कलाकृति को, इन्होंने फिर कुछ बोलना नहीं है तो चुपचाप निकल जाएंगे, थोड़ा सा अवॉइड करा करो ये चीज़ों को। ये एक सीन है जिसमें दुर्योधन को घमंड हो गया था, बोल रहा था कि श्री कृष्ण जी को मैं पकड़ लूँगा, फिर उन्होंने अपना रूप दिखाया कि मेरे को तू पकड़ेगा। फिर सभी जो सभा में बैठे हुए थे सभा सारे लोग हैरान हो गए। इसमें शिशुपाल का वध दिखाया गया। युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की अग्र पूजा करते हैं। ये क्या कलाकृति बनाई है, एक शंख पे प्रेजेंट किया हुआ, बहुत बढ़िया बनाई है, इन्होंने बनाई है ब्रिजमोहन मोहन जोशी नैनीताल उत्तरांचल। एक शंख में इतनी बढ़िया कलाकृति बनाई है यार, मुझे जा रहे हैं। क्या मज़ेदार पेंटिंग है यार। इस चरित्र में देखो द्रौपदी का चित्ररण दिखाया हुआ, कैसे सारे खुश हो रहे हैं। वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को यमुना पार कराते हुए, ऐसे फील हो रहा है जैसे रियल में पार करवा रहे हैं। मैं जब एंटर करा ना मैं ना यार ये क्या सीन है, और वो देखो बिजली कड़क रही है, ठीक है कि लाइटिंग ऐसी की हुई है इन्होंने कि हाँ ये रियल में ऐसे फील हो रहा है कि इन्होंने रियल में लेके ये यमुना पार कराया। ये संग्रहालय का मल्टीमीडिया सेक्शन है जिसमें व्यास जी गणेश जी को सारे बता रहे हैं स्टोरी, और इनको बोला था कि जब तक मैं चुप नहीं होता ना तब तक लिख रहे हैं, और तब तक लिख रहे थे। और इनका पेन भी जो था उस टाइम पेन दूसरा कुछ बोलते थे, पेन टूट गया था, फिर इन्होंने अपना दांत तोड़ के फिर उसके द्वारा इन्होंने पूरी लिखी थी वायर। इस सेक्शन में ना ऐसा फील हो रहा है लाइटिंग के कारण कि जैसे हम नदी पार कर रहे हैं, और बनाया भी सेम ऐसे हुआ। माखन चोरी करते हुए श्री कृष्ण जी, थोड़े बहुत तो अपने ये माखन खाने में तो हम शेर हैं। जब भी मैं किसी को बताता हूँ ना मेरे माखन खाने की स्टोरी, अगला कहते हैं तो फिर डुप्लीकेट कृष्ण जी। इसमें प्रेजेंट किया बक बक बका सुर का बध,
इस सेक्शन में लाइटिंग थोड़ा सी कम है, थोड़े से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण जी, हरे राम। कालिया मर्दन कालिया नाग, वृंदावन में इतनी लीला की है ना, सारे लोग वहाँ गए कृष्ण जी को, तो वो समझते हुए कि यहाँ भी बाहुबली टाइप दो धड़ाधड़ देख धड़ाधड़ पीट रहे हैं, कंस का वापस कर रहे हैं इसमें, पीट दो कृष्ण जी पीटो पीटो। एक स्टोरी याद आई मेरे को कि जैसे इन्होंने कंस मामा जी का वध किया था ना, तो उसके बाद क्या है कि शकुनी मामा जी से मिले, तो उनको तो पता था कि हाँ ये कृष्ण जी हैं, इन्होंने अपने कंस मामा का वध किया, तो कहते मैं बुलाना तो आपको अपना मामा जी चाहता हूँ, वो कहते ना 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 मेरे को मत बुलाओ मामा जी। इस सेक्शन में तो कृष्ण जी की बड़ी मूर्ति दिखाई हुई है और रथ पड़ा हुआ है। एंटर करते मेरे को ऐसे लगा रियल में श्री कृष्ण जी खड़े हुए, और एक तो लाइट भी पूरी फेस पे है ना, पूरा ऐसे लग रहा था कि सामने कृष्ण जी खड़े हुए मेरे। ये देखिए भीष्म पितामह जी बानों की शैया पे लेटे हुए, इनका एक और जगह बनाई है, वहाँ पे जाके आपको पूरी डिटेल में सारी स्टोरी बता दी है, वहाँ पे आप जाके आई बटन में जाके क्लिक करना आपको वो मिल जाएगी। ये एक चक्कर व्यू बनाया हुआ है जिसमें से एंट्रेंस करेंगे सारे, मतलब दिखाई है महाभारत क्या क्या सीन है। चलो हम भी जाते हैं एक चक्कर व्यू में, श्री कृष्ण जी और बालाजी हमारे साथ है, तो ये चक्कर व्यू ये भी तोड़ लेंगे, जा इसमें निकल जाएंगे बाहर। Many minutes later. मैं सोच रहा है माता जी के साथ जा एक्सप्लोर करेंगे सारा, देखेंगे माता जी और दीदी तो पहले ही आके बाहर बैठे हुए हैं, इन्होंने तो मेरे से पहले एक्सप्लोर कर लिया सारा कुछ देख लिया, मैं तो पूरा बिजी हुआ पड़ा था देखने में, क्योंकि मैं खो ही गया था पूरा सीन में, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब मैं देख लेता हूँ ना ऐसी चीज़ें मैं पूरा उस टाइम में चले जाता, जोन में उस चले जाता हूँ, देखने लग जाता हूँ। वैसे एक बार माता जी से पूछ लेते कि मम्मी कैसा लगा अंदर का, सही बना हुआ था वो देखे कृष्ण जी की अंदर एंटर करते ही जब बड़ी सारी मूर्ति थी, मेरे को ऐसा लगा सही में श्री कृष्ण जी, मैं कहीं मैं जोन में पहुँच तो गया हूँ और रियल में कहीं पे दर्शन तो नहीं दे रहे मेरे को, ये बहुत सुंदर था।